हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। अलादीन, नाम तो सुना होगा। और ये है मेरी जादुई काली। नमस्कार, सही किया ना मैंने? बिल्कुल सही। आदाब अलादीन, मैं हूं बालवीर। नाम शायद ना सुना हो पर काम एक ही है हमारा। वीरलोक में स्वागत है तुम्हारा। अब होगा असली खेल शुरू। ये है भविष्य का गर्भ और ये है भविष्य मणि। इस नायाब भविष्य मणि को हासिल करने के लिए हमें इस हिफाजत घेरे के अंदर दाखिल होना होगा। विवान ने मुझे सब बता दिया। तिमनासा, जिनू, काल लोग और महात्रिकाल सिंहासन। महात्रिकाल सिंहासन, उन सब के बारे में मुझे पता चल चुका है। अब तुम मुझे ये बताओ बालवीर कि विवान के यहाँ से जाने के बाद क्या क्या हुआ था। मेरा भाई जिनू कहाँ है? अगर इस मणि की हिफाजत ये किरणें कर रही हैं तो मेरी हिफाजत तुम करो इन किरणों के और मेरे बीच में ढाल बनके। जो हुक्म भैरानी। जानता हूं अपने भाई जीव को, उसे चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना बर्दाश्त करना पड़े, बिना किसी वजह के वो चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मिश्री की दली जैसा दिल है उसका। इसका मतलब तिमनासा ने जरूर कुछ ऐसा किया है जिसके कारण तुम्हारा भाई जीनू उसके काबू में है। फिक्र मत करो बालवीर, वो सिर्फ ही तिमनासा को रोकने में और इसके इरादों को नाकामयाब करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और तुम्हारे भाई जीनू को वापस लाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शाबाश जीनू जी, शाबाश। अब तीनों कालों में होगी मेरी जय जयकार। अब वक्त की लगाम और ब्रह्मांड का अंजाम मेरी मुट्ठी में है। मेरी अम्मी हमेशा कहती है, जुल्म की आंधी कितनी भी तेज हो जाए अच्छाई के हौसले को तोड़ नहीं सकती। और अब तो अतीत और वर्तमान ने भी हाथ मिला लिया है। पर पुंगी बजेगी, वो भी दसों दिशाओं से। अच्छाई की होगी जीत, बुराई की होगी हार, जब हम सब है साथ। देखिए तुम,
ये पोशाक, एक से एक नया हथियार, आप लोगों तो चलता फिरता जादू है। मेरे पास भी जानलेवा काली। लेकिन इस कालीन में क्या जानलेवा हो सकता है? सोचो, जब हम अपने दुश्मन को 100 गज की ऊंचाई से नीचे गिराएंगे तो क्या होगा? केचप बन जाएगा उसका। क्या बन जाएगा? केचप मतलब वो लाल लाल सॉस होता है ना। खून? अरे खून नहीं, मैं बाद में खिलाऊंगा आपको। ठीक है। वैसे अलादीन, ये कालीन आइडिया तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे सब लोग उड़ सकते हैं, इसलिए तुम्हें खास हथियारों की जरूरत पड़ेगी। बेटी के तू, मैंने आग उगलने वाली मशाल तो देखी है, शमशीर पहली बार देख रहा हूं। और ये है करामाती रस्सी। इस रस्सी में 100 हाथियों को एक साथ उठाने की ताकत है। इस करामाती रस्सी और शमशीर के लिए शुक्रिया बालवीर। अरे ये क्या हुआ, कहाँ गया? अलादीन, ये हथियार आपके लिए है। जब भी आप चुटकी बजाएंगे, ये हथियार खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगे। बेटे की तुम चुटकी बजाते ही आ जाती और चुटकी बजाते ही गायब भी हो जाएगी। क्या बात है। तो चलो बालवीर, अब उस तिमनासा पे यलगार करते हैं। यलगार मतलब? मतलब हमला। माँ शौर्य, मैं वादा करता हूं आपसे, तिमनासा का महात्रिकाल सिंहासन चकनाचूर करके ही लौटूंगा। तो चले। बालवी, नाम तो सुना हो? दिल से बुलाया, अलादीन आए। जीनो! अरे तो वो तो निकल, 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 निकल ले, निकल ले। जीनू, नाम में क्या रखा है? अलादीन भैया, वो देखो।
सकाना है। है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। चिनू मेरे भाई, ये नाराजगी छोड़ दो और बगदाद चलो मेरे साथ। वहां पे अम्मी अम्मी तुम्हारे लिए शीर कोरमा बनाएंगी। हाँ। ढेर सारा बनाएंगी। उससे पहले मैं तुझे अपना लजीज घूसा खिलाऊंगा। दुनिया अमरूद सी किन बारूद सा। अब ठीक तो हो ना? कहीं आपने गलत पकवान का नाम तो नहीं ले लिया? जिनों पर भी बहुत गहरा जादू किया है। बेटे की तुम, मैं वहां से यहाँ कैसे आया? लपकप के जादू से। क्या बात है, क्या जादू है? मैं ठहरा रहा, जमीन चलने लगी, दिल धड़कने लगा, सांस थमने लगी। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि ये गाना बन चुका है। बेटे की तुम, मैं जानता था कि मेरे गाने एक दिन बनेंगे जरूर। अरे धीरे धीरे जीवन देख लेगा। तुमने जीनू की पीठ देखी? इतनी बड़ी चीज को देखने में समय लगता है। देखो गौर से, उसकी पीठ पे खंजर लगा हुआ है। हाँ। उसी खंजर की वजह से मेरा फूल जैसा जीनू पत्थर बन चुका है। फिर तो हमें इस खंजर को तुरंत बाहर निकालना चाहिए और जीनू को अपनी टोली में अंदर लेना चाहिए। लेकिन हम ये सब करेंगे किसे? इधर आओ। फिक्र मत करो अलादीन भैया, मुझे किसी भी तरह इस खंजर को निकालना होगा। थैंक यू अलादीन भैया। ना रहेगा सिंहासन और ना चलेगा तिमनासा का शासन। लगता है ये महात्रिकाल सिंहासन ऐसे नहीं टूटेगा, कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा।
अरे ये तो कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलने से भी ज्यादा हार्ड है। ठीक हो रहा है। चिनू पुराने वाले अक्का हमेशा वाले भाई अलादीन नाम तो सुना होगा। ठीक है तू ठीक हो गया। अलादीन भैया आपने कर दिखाया। हमने कर दिखाया। चिंता मत करो भविष्य मणि मेरे पास, अब तिमना सा नहीं जीत सकती। वाह भरानी बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक। घोप दीजिए और अपना गुलाम बना लीजिए। वो दरअसल कहना मुझे अच्छाई की राह में नहीं चलना। चिनू तुम क्या कह रहे हो? शैतान की फूफी रानी के सामने तुम अपना सर क्यों झुका रहे हो?
अरे फिर मेरा सर है, मैं कहीं भी झुकाऊं तो मैं क्या? तुम अपना सर बीच में मत डालो। वो दरअसल क्या है ना बहरानी, मैं जब से बुरा बना हूँ ना, तब से मुझे ऐसी आजादी महसूस हुई है कि कुछ पूछिए ना। इसीलिए आपको खुदा का नहीं, मेरा मतलब है शैतान के वास्ते मुझे अपना गुलाम बना दीजिए बहरानी। अरे बहना, जरा देख के उड़ो, सामने ही नहीं पीछे भी, दाएं नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ऐसे ये गाना तो बहुत पहले ही बन चुका है, लेकिन जिसने अपने कानों में बुराई की रुई लगा रखी हो उसे अच्छाई के गाने कहाँ सुनाई देंगे। अब इस सिंहासन पर हम बैठेंगे और बनेंगे तीन काल के तीन सम्राट। ताकत पाकर बेकाबू होना कोई तुमसे सीखे तिमनास। पाटर हमें चल से चल इन मणियों को अपनी जगह वापस भेज देना चाहिए। तो सारी भूतकाल के दरवाजे की तरफ जा रही है। हाँ, ये मैंने किया है। क्या? दरअसल जफर ने मुझे हुक्म दिया था कि ये तीनों मणियां उस तक पहुंच जाएं। इन मलिका साहिबा की तरफ बगदाद में भी एक पागड़ बिल्ला है, तो ये वहम है कि वो किसी को भी पंजा मार सकता है। और हाँ पार्टनर, मैंने वहाँ भयमार को जफर के साथ देखा था, कहीं ये तमन्ना का कोई और प्लान हो सकता है। अलादी, फिर तो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी वो जफर की कब्र खोदने में। पाटर, मैं भी साथ चलूंगा। एक से भले दो, दो से भले तीन। नहीं विवा, तुम यही रुको और वीर लोग जाकर परिमा की देखभाल करो। ठीक है, चलो। टी फॉर टिम्मी आंटी को, बी फॉर बाय बाय। ये कैसी आवाज थी? मम्मी कहती है कि बुराई के बादल अच्छाई के सूरज को छुपा तो सकते हैं, लेकिन उस अच्छाई के सूरज को मिटा नहीं सकते। और ये जो आवाज थी वो भी बुराई के बादल हटने की आवाज थी। वो देखो, इसका मतलब बालवीर भी अब बगदाद से लौटने वाला होगा।
कॉन्ग्रेच पार्टनर, आपने तो कमाल ही कर दिया। मैंने नहीं, हम सब ने। शाबाश बालवीर, शाबाश। अब सारी जंगें ऐसे ही जीतनी है। वैसे विवान, अलादीन और जीनी ने तुम्हारे लिए एक तोहफा भेजा है। क्या? वाओ। इसको किसने से कोई जिन निकलता है क्या? कोई बात नहीं, मैं इसे अपना बर्थडे गिफ्ट समझ कर ही रख लेता हूँ। विवान, जन्मदिन मुबारक हो। तुम्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं विवान। थैंक यू। और आप सबको मेरी बर्थडे पार्टी में आना है, ठीक है ना? अरे ये भी कोई कहने की बात है। ग्रेट, अब मैं निकलता हूँ। ना जाने मम्मी ने मेरी याद में कितने बकेट आंसू बहा दिए होंगे। फिक्र मत करो विवान, करीना जी को कुछ पता नहीं चला है, पर मैंने तुम्हारे जन्मदिन के समारोह की सारी तैयारी भी कर दी है। समझे कि नहीं समझे? करुणा जी परेशान ना हो, इसलिए हमने डूबा डूबा आपको धरती पे भेज दिया था। क्या? तो मुझे और भी जल्दी जाना होगा। ना जाने डूबा डूबा जी ने धरती पर मेरा कितना नाम डूबा दिया होगा। ये मेरी बर्थडे पार्टी की तैयारी चल रही है या किसी बंदर की बर्थडे पार्टी की? ये देख खुशी, कैसा लग रहा है केक देखने में? यक, लेकिन बर्थडे तो विवान का है ना मम्मी, जो उसने कहा वो तो करना ही पड़ेगा। मम्मी, ये आपने क्या बना दिया? मेरे फ्रेंड्स अपने बर्थडे केक पर सुपरमैन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन का चेहरा बनाते हैं। ये डूबा डूबा मेरा मतलब कि किस कार्टून का चेहरा बना दिया ये? अरे 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 बोलो नहीं, सुनो, सुबह से 3 केक बनवा चुका है तू, और तेरे ही कहने पे तो ये कार्टून बनाया ना मैंने, तूने तो ड्रॉ करके दिया था ना मुझे। लेकिन मैं तो यहाँ था ही नहीं, तो फिर मैं कैसे बोल सकता हूँ? क्या, तू नहीं था तो फिर कौन था यहाँ पे? मेरा मतलब कि मेरी बॉडी यहाँ थी लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। कहाँ था ध्यान? बगदाद, बगदाद में। हाँ, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि मेरी बर्थडे पार्टी की थीम होनी चाहिए अलादीन। अलादीन? वो जीन वाला अलादीन? हाँ दीदी, वही। अच्छा, और जो पहले से 3 केक बने हुए उनका क्या होगा? एक काम करते हैं, हम उन केक्स को अनाथ बच्चों में बांट देते हैं, मुझे उनसे दुआ मिलेगी। इससे अच्छा बर्थडे गिफ्ट मेरे लिए और क्या हो सकता है? ठीक है, डन। लेकिन चौथा केक मेरी मर्जी का होगा, कोई अलादीन वलादीन की थीम पर नहीं। लेकिन मम्मी, बर्थडे बॉय तो मैं हूँ ना? हाँ हाँ, बर्थडे बॉय तो तू है, लेकिन बर्थडे बॉय की मॉम तो मैं हूँ ना। बट मम्मी, नो इफ नो बट, जो केक बनाऊंगी वो ही होगा कट। क्या? ओके। परियो, जब मेरी अनुपस्थिति में तिम्नासा ने कोई चाल चलने की कोशिश की? नहीं बालवीर। तीनों काल में यात्रा करने के कारण और भविष्य काल का द्वार बनाने में तिम्नासा ने अपनी बहुत सारी शक्ति खर्च कर दी है, इसलिए अभी वो बेहद कमजोर हो चुकी है बालवीर। तो हमें तुरंत अपना अधूरा काम पूरा कर देना चाहिए और अभी जाकर तिम्नासा को बंदी बना लेना चाहिए। लेकिन बालवीर, तुम अभी अभी बगदाद से इतनी बड़ी जंग लड़ के आए हो, तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। नहीं पानी परी, जब तक मैं बुराई को खत्म नहीं कर देता मुझे आराम नहीं मिलेगा, और हो सकता है अगर हम देर करें तो तिम्नासा की शक्तियां वापस बढ़ जाए, इसलिए हमें बिना देरी के तिम्नासा को बंदी बना लेना चाहिए। तौबा तौबा, नन्ही उंगली की कसम, बहरानी उसमें कब आएंगी? उसमें? होश में? हाँ, पता नहीं। तिम्नासा को अब कभी होश ना आए तो ही अच्छा होगा। वैसे भी बालवीर से अनगिनत बार मात खा के
अब तक शर्म से खुद प्राण त्याग देने चाहिए थे। खैर महरानी देर से जाए पर जाए तो सही, ताकि काल लोग की राजगद्दी पर मैं चढ़कर बैठ सकूं। क्या कहा? नहीं, मेरा मतलब ये है कि अबे तुमने गलत सुना जबदाली, मैं यह कह रहा था कि काल लोग के राज सिंहासन पे बैठ के मैं धूल साफ करूंगा, ताकि आप आराम से उस पे विराजमान हो सके। बोलो भाई राजा, भाई मार की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। इतने भी क्या जल्दी है भयमार? ए भय राजा, राजगद्दी के लिए लाल टपकाना बंद कीजिए, अभी समय है काल लोक की रक्षा के लिए खून टपकाने का। आज पूरे ब्रह्मांड को तिमनासा से ही नहीं भयमार से भी छुटकारा मिल जाएगा। बोधी बॉय की प्यारी मम्मी, क्या है? आप कौन सा केक बना रहे हो वो तो बता दो प्लीज। मैंने कहा था ना, केक मेरी मर्जी का बनेगा। ऑफकोर्स मम्मी, मुझे तो लगता है कि मेरे हर बर्थडे पर केक आपकी मर्जी से बनना चाहिए। हाँ, अगर आप नहीं होते तो मैं कैसे होता? और अगर आप अपनी मर्जी से आलमंड केक बनाओगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप अपनी मर्जी से उस केक में एक चॉकलेट लेयर लगाओगे ना तो मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं अपनी मर्जी से आलमंड केक बना दूंगी। यस, मेरी एक शर्त है। अरे मम्मी, आप दो शर्त रख दीजिए ना, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ आपके लिए। तो मेरी शर्त ये है कि आज शाम तक आप कोई शरारत, कोई बदमाशी, कोई नुकसान नहीं करेंगे, समझे? यस मम। आप केक पर फोकस कीजिए और आपकी शर्त का समय शुरू होता है अब। खुशी, तू जाके विवान पर नजर रख। भैया, अब हम करेंगे विवान की बर्थडे पार्टी का सत्यानाश। गधे चाहे कितने भी चने क्यों ना खा ले, वो घोड़ा नहीं बनता। यही हाल तुम्हारा है भगवान। मेरा हाल छोड़ो, अपना ख्याल कर बालवीर, क्योंकि आज तेरी धज्जियां उड़ने वाली हैं काल लोक में। ये भैराजा तो बालवीर से ऐसे मार खा रहे जैसे धोबी के हाथों कपड़े। ये धपाधप, ये धपाधप। अब तो हमें बालवीर से एक ही प्राणी बचा सकता है। कौन? चल बताता हूँ। परियो, बहुत हो गया खेल, अब इस जड़ को ही खत्म करते हैं। बालवीर, हाँ तिमनासा, सोचा तुम्हारी जैसी बीमारी का जितना जल्दी इलाज हो जाए उतना अच्छा होगा। I
ऊंट अगर बैठा हो तो भी वो ऊंचा ही रहता है बालवीर। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तिमनासा अगर कमजोर है तो उसे कैद कर पाओगे? अक्रूर, तुम जानते हो इनका क्या करना है। भगवान। हाँ दीदी। हाँ दीदी, मुझे बताएं, मम्मी ने आपको मेरे बर्थडे गिफ्ट की चॉइस पूछने के लिए भेजा है ना, तो लिखे तो मेरी फर्स्ट चॉइस है एक रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर, अगर वो नहीं तो मेरी सेकंड चॉइस है एक इलेक्ट्रिक गिटार, अगर वो भी नहीं। दीदी, खिड़की के पर्दे नहीं है, कान के पर्दे हैं, अगर फट गए ना तो दूसरे नहीं मिलने वाले। मम्मी ने मुझे तेरी गलतियों का हिसाब किताब लिखने के लिए भेजा है। ओके, वैसे भी मैंने मम्मी से प्रॉमिस किया था कि आज रात तक नो पंगा, नो बदमाशी, नो नुकसान। पंगा तुम नहीं, हम करेंगे विवान। बदमाशी हम करेंगे, लेकिन नुकसान तेरे हाथों होगा विवान। वो देख रहे हो भैया, उस सीढ़ी पे हमने तेल लगाया है, अब विवान का तेल निकलेगा। ठीक है। अरे आंटी, आंटी साइड। विवान, मेरी सारी सब्जियां गिरा दी विवान तुमने, अब मैं क्या खाना बनाऊंगी विवान। सॉरी आंटी, मैं उठा देता हूँ ना। सॉरी आंटी। विवान, तूने छेड़ अंकल की दो शर्ट और एक पैंट गंदी करी है। पद्मिनी आंटी का चार पापड़ खराब करे हैं और सब्जी वाली आंटी का एक टमाटर और एक नींबू खराब कर दिया। सॉरी ना दीदी, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया है। विवान, अब गलती तो गलती होती है, अब चाहे वो जानबूझ के हो या अनजाने में हो, ऐसी गलती देखकर तो तेरे को अगले 3 बर्थडे तक केक नहीं मिलेगा। क्या दीदी, अब ठीक बोल रही है, मैंने गलती की है तो मुझे सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। अब और कोई चारा भी तो नहीं है। तो ठीक है दीदी, आपने मेरी गलती तो लिख ली, आप अपनी खुद की गलती भी लिख लीजिए। मैंने कौन सी गलती की? नीचे देखिए। पर ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। अब दीदी, आपने ही तो बोला था कि गलती तो गलती होती है, चाहे वो जानबूझ के हो या अनजाने में। तो ठीक है दीदी, एक काम करते हैं, नया हिसाब शुरू करते हैं। अब ठीक ही तो है, अब खुद गलती करके दूसरों की गलती निकालने का किसी को नहीं होना चाहिए। कभी कभी लगता है कि तिमना सबसे ज्यादा चैलेंजिंग दीदी है। अपने अंतिम समय में हर कोई मंदिर में जाकर ही अपनी शरण लेता है।
ठीक तो हो ना? हमें तुमना सा को रोकना होगा। ये तिमनासा कहाँ गायब हो गई है? पालवीर, हम जितना तिमनासा को कमजोर समझ रहे थे वो उतनी कमजोर नहीं हुई अभी तक। लेकिन जब हम यहाँ काललोक में आए थे तब तिन्ना सा में इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वो उठकर बैठ सके, लेकिन जैसे वो यहाँ सर्वकाल मंदिर में आई, यहाँ की दीवारों को छूते ही उसके अंदर शक्ति की लहर दौड़ पड़ी। इसका मतलब तिमनासा की शक्ति का स्रोत इसे सर्वकाल मंदिर के अंदर कहीं छुपा हुआ है। लेकिन तिमनासा आखिर गई कहां? मूर्ति के पीछे की जगह इतनी अजीब, ये क्या है? ये क्या हो रहा है बालवीर? लगता है कोई बुरी शक्ति जागृत हो रही है। कहीं सर्वकाल का शक्ति पुंज क्रोधित तो नहीं हो रहा? मुझे यहां से निकलना चाहिए। यहां से निकलना होगा। हाँ। बालवीर ने जरूर इस गुफा में आने की कोशिश की होगी, लेकिन मैं उसे कभी भी इस सच्चाई का पता नहीं लगने दूंगी।
हैरानी तो देख के आपके कहीं होश तो नहीं उड़ गए? मैं तो ऐसा कह रहा था कि चढ़ता सूरज और उड़ती रानी से दुश्मनी मोल लेना अकलमंदी की बात नहीं है। वैसे महारानी, आप कौन सी नई नई शक्तियां लेकर आई हो, जल्दी बताइए ना मुझे। सब्र रखो तौबा तौबा। हाँ, क्योंकि इस बार मेरे पास नई शक्तियां भी हैं और नई रणनीतियां भी हैं। नई रणनीति? इतनी इतनी? जाओ मायावी सिपाही, अब तुम्हारे रहते सर्वकाल का राज सिर्फ राज ही रहेगा सबके लिए। तुम सिर्फ रणनीति बनाओ और तितलियां उड़ाओ तुम नासा, तब तक मैं पृथ्वी पर जाके विवान के प्राण उड़ा दूंगा। अरे तो मैं इधर क्या कर रहा हूँ? कहा गया? अब कौन सी बेवकूफी करने गया है ये भैमार? अभी तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, नो पंगा, नो बदमाशी और नो नुकसान। यस, मतलब मेरा आलमन की पक्का। हैप्पी बर्थडे विवान, कैसा लगा हमारा बर्थडे गिफ्ट? नहीं विवान, अपना गुस्सा कंट्रोल कर, वरना इनके चक्कर में मुंह तक आया हुआ आलमंड की चला जाएगा। क्या हुआ विवान, गिफ्ट पसंद नहीं आया तो दूसरा ले ले। ये ले। हेलो चिंटू चिंटी, थैंक्स। और अगर तुम लोगों को सड़े टमाटर इतने ही पसंद है ना, तो सैंडविच में लगा कर खा लो, इससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। रुक जा चिंटी, इसके सर पे मारता हूँ जोर से, फिर देखना कितना फर्क पड़ेगा। बहुत कर लिया इग्नोर, अब इनको भी रिटर्न गिफ्ट देना ही पड़ेगा। क्या कर रही है चिंडी, अपनी टीम में गोल मार रही है। सॉरी भैया, शायद गलत निशाना लग गया। ठीक है चिंडी, प्यार से केचप लगा रही है तुम्हारे सिर पर। बड़े तेवर दिखा कि आप काल लोग से धरती लोग तो आए, लेकिन आपकी योजना है क्या? चींटी को मसलने के लिए योजना क्या बनानी? तौबा तौबा। भूल गए, काल परी के बिना आपकी शक्तियां नहीं चलेगी धरती लोग पे। अरे उनके बिना आपकी औकात बिना दांत वाले सांप जैसी है। आप पुकार तो सकते हैं, लेकिन किसी को काट नहीं सकते। ऐसा मैं नहीं कह रहा था, मैं तो मैं विवान को धरती पे मार नहीं सकता तो क्या हुआ, उसे अगवा करके काल लोक तो ले जा सकता हूँ। मैं मारती हूँ दूसरा। हाँ मार चिंटी। चिंटी, एक बार गलती होती है इंसान से, दूसरी बार नहीं, कितनी बार मारेगी? रुक जा, मैं भी तुझे मारता हूँ। मैं नहीं मार रही हूँ। अब दोनों मिलके खाओ टमाटर। अगर अंकल ने मम्मी को कंप्लेन कर दी तो मेरा आलमंड केक। अंकल, अंकल आप जो भी है, सॉरी टमाटर के लिए। अंकल प्लीज, आप मम्मी को शिकायत मत करना, आज मेरा बर्थडे है। जन्मदिन विवान का, लेकिन तोहफा मैं लूंगा भैरानी से।
नहीं भला नहीं, मुझे जल्दी से कोई इनाम दीजिए। आपके लिए मैं खुशखबरी ले आया हूँ। अरे आज विवान का जन्मदिन है। बहनी, फिर तो वीर लोग के सब लोग उस समारोह में जाएंगे। हाँ फिर नासा, ये मौका हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारी नई शक्तियां इस्तेमाल करके हमें तुरंत हमला करना चाहिए धरती लोक पर। हमला? मेरी नई शक्तियां और रणनीतियां धरती पर तभी काम करेंगी जब हमारे पास काल परी होगी। क्या? इसलिए गहरी सांस लो भैमार और ये सोचो कि काल परी को कैसे वापस लेकर आना है। अरे सॉरी, मैंने सोचा था कि तुम्नासा के पास इतनी शक्ति नहीं होगी, लेकिन सर्वकाल मंदिर में छुपे किसी रहस्यमय स्रोत से वो वापस पहले जैसे शक्तिशाली हो गई। कैसे? उस रहस्यमय शक्ति स्रोत के बारे में मैं यहाँ से पता लगाने की कोशिश करता हूँ बालवीर। ठीक है शौर्य, तब तक काललोक में जाकर मैं पता लगाता हूँ क्या कि सर्वकाल मंदिर में छुपा क्या है। लेकिन इस बार तुम्नासा को भनक भी नहीं लगनी चाहिए, वरना वो फिर हमारी आंखों में धूल झोंक कर चकमा दे जाएगी। बालवीर, क्या विवान को भी इस काम में? नहीं ध्वनि परी, आज विवान का जन्मदिन है, हम उसे परेशान नहीं करना चाहिए। चलिए पानी परी। अरे खुशी, तूने विवान की तरह पूरा कमरा उलट पुलट क्यों कर रखा है बेटा? मम्मी, मैं सब कुछ वापस ठीक से रख दूंगी, बस एक बार मुझे वो मिल जाए जो मैं ढूंढ रही हूँ। ऐसा कौन सा खजाना ढूंढ रही है मेरी खुशी? खजाना तो नहीं, लेकिन विवान के लिए सरप्राइज जरूर है। अच्छा, क्या सरप्राइज है? ये बर्थडे कार्ड मैंने अपने हाथों से बनाया विवान के लिए। अरे वाह। So cute. लेकिन इसमें पापा जी हैं, तू है, मैं हूँ, ये बर्थडे बॉय की फोटो नहीं है, क्यों? मैं वही तो ढूंढ रही हूँ मम्मी तब से। एक्चुअली मैंने सोचा है कि मैं विवान के बचपन की पिक्चर डालूंगी जब वो गोलू मोलू रसगुल्ला जैसे हुआ करता था। लेकिन अजीब बात तो ये है कि हमारे पास विवान के बचपन की एक भी फोटो नहीं है। ऐसे क्यों है मम्मी? वो एक्चुअली 8-10 साल पहले जब हमने घर शिफ्ट किया था ना, तो शिफ्टिंग में सारी एल्बम्स खो गई पता नहीं कहीं। अच्छा, और मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। कैसे याद होगा, तो छोटी थी ना तब। पर मुझे तो ये भी याद नहीं है कि हम विवान को हॉस्पिटल से कब लाए थे, या फिर उसका पहला दांत कब निकला था, या उसका पहला बर्थडे कब मनाया था। कैसे याद होगा तुझे, विवान जब पैदा हुआ था तो छोटी थी ना। अच्छा अभी ये सब छोड़, तू एक काम करना, विवान की अभी वाली कोई फोटो लगा दे। ठीक है? ठीक है मम्मी। पानी परी, तुम्नासा यह नहीं है, इसलिए अब हम बिना चिंता किए तुम्नासा की रहस्यमय शक्ति का पता लगा सकते हैं। पानी परी, अब वहां जाकर देखिए, मैं इधर देखता हूं। ठीक है बालवीर। बालवीर, इस दीवार में से खोखली आवाज आ रही है। मत रो, मत रो, मत रो,
कोई काल मंदिर के गर्भ में घुसने की कोशिश कर रहा है। क्या? ये कौन है जो सर्वकाल के शक्ति पुंज की शांति भंग कर रहा है? मुझे लगता है इस सब में ही कुछ अजीब बात है। बालवीर, मुझे लगता है इस दीवार के पीछे सुना तुमने बालवीर, ये पूरी की पूरी दीवार खोखली है। मानी परी, इस दीवार के उस पार जाने का रास्ता ढूंढिए। इस दीवार में जाने का तो कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, हम खुद रास्ता बना लेंगे। पूरी ताकत से कोशिश कीजिए पानी परी। ठीक है बालवीर। तो ये है इस दरवाजे की असली चाबी। अब हम अंदर जाके देख सकते हैं कि वो रहस्यमय शक्ति क्या है जिससे तिमनासा फिर से शक्तिशाली होती जा रही है। चल। गोलाकार चीज क्या है बालवीर? मुझे लगता है ये वही शक्ति का स्रोत है जिससे तिमनासा को ऊर्जा मिलती है। लेकिन अजीब बात तो यह है कि ना ही इसमें अच्छाई का भाव है और ना ही बुराई का। बालवीर, थोड़ी सावधानी से, कहीं ये तुम्हें कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। इस शक्ति की असलियत जानने के लिए मुझे इसमें हाथ डालना ही पड़ेगा। अलवीर, कौन हो तुम?
और यहां क्यों आए हो? आप कौन है और आपके अंदर इतनी शक्ति कैसे? समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों का विकराल रूप हूं मैं, सर्वशक्तिमान, सर्वकाल हूं मैं, इस काल लोक का देवता, यहां का सम्राट। सर्वकाल? तुम कौन हो? बालवीर, बालवीर हूं मैं। तुम भी बालवीर हो? बालवीर जो पूरे संसार में अच्छाई की रक्षा करता है। जी हाँ, लेकिन आपने तुम भी बालवीर हो ऐसा क्यों कहा? विवान, एक घंटा हो गया तुझे मेकअप करते करते, इतना टाइम तो मैं भी नहीं रहती। हट जा ना मेरे के सामने से। दीदी, मुझे अपने ही बर्थडे पर जंगली भालू जैसा बिल्कुल नहीं दिखना, तो प्लीज दीदी प्लीज थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा प्लीज। अच्छा विवान, अगर तुझे अपने बालों से इतनी प्रॉब्लम है तो आप बैठ, मैं तेरी चोटी बना देती हूँ। बैड आइडिया। आप एक काम कीजिए, आप एक मिनट रुकिए, मैं दो मिनट में रेडी हो जाऊंगा। नहीं विवान, एक मिनट करते करते तो तेरा अगले बर्थडे आ जाएगा, हट जाना यहाँ से। अरे दीदी, आप जाकर मम्मी के कमरे में तैयार होइए ना। शर्माइए मत, आखिर आपकी भी तो मम्मी है वो। मेरी भी? वो मेरी ही मम्मी है, क्योंकि तू तो कच्चे के डिब्बे से आया था। खुशी, ये कौन सा तरीका है बात करने का, ऐसे बोलते अपने भाई से? रिलैक्स मम्मी, दीदी वैसे भी मजाक करी है, लेकिन अब इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? कहीं ये सच तो नहीं है? हो ही नहीं सकता। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दीदी को डस्टबिन से लेकर आए? विवान, ओके ओके ओके, अब इस टॉपिक पर और कोई मजाक नहीं। अच्छा तू रेडी हुआ कि नहीं? मैं तो दीदी के रेडी होने का वेट कर रहा था। विवान, और नहीं तो क्या, कब से मिरर के सामने बैठे हो? विवान, मैं बैठी हूँ। अच्छा अच्छा, बस बस बस, और जल्दी से रेडी हो जाओ, चलो बाहर आ गए सब लोग। हाँ मम्मी, वैसे मैं सोच रहा था कि क्यों ना मेरे इस बर्थडे पर हम उन डॉक्टर और नर्स को बुलाए जो मुझे इस दुनिया में लाए हैं। वो तो बहुत साल हो गए हैं ना, अब तो वो हॉस्पिटल भी नहीं रहा होगा। अच्छा चलो, अब तुम दोनों जल्दी से रेडी होके बाहर आ जाओ फटाफट। हाँ फटाफट। दीदी कैसा लग रहा हूँ मैं? बिल्कुल सलमान भाई का बॉडीगार्ड लग रहा है। हाँ। कौन आया था यहाँ सर्वकाल? किसने जगाया तुम्हें? मैं तुमसे सवाल कर रही हूँ सर्वकाल, यहाँ कौन आया था? लगता है तुम ये भूल जाते हो सर्वकाल के काललोकवासी भले ही तुम्हें अपना देवता समझते हो, लेकिन मेरी नजर में तुम सिर्फ एक कैदी हो, एक लाचार कैदी मेरे कैदी। इसलिए जो सवाल कर रही हूँ उसका जवाब दो। इतना घमंड मत करो तिमनासा, वरना एक दिन इसी घमंड के बोझ तले कुचल जाओगी।